हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक like कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं सो so, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द रिक्रूटमेंट 2022 जो कि ए ई एस सोसाइटी ने निकाला है जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर तो इन्होंने एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है 2022 ट्वेंटी टू का सो so, अगर हम ए ई ई एस की बात करें तो एस है क्या एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी थर्टी स्कूल रन करती है जूनियर कॉलेजेस रन करती है प्लस ठीक है जो कि लोकेटेड है फ़िफ्टीन सेंटर्स में इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये थर्टी स्कूल्स लोकेटेड है जो मीडियम है इन स्कूल का जो इंग्लिश मीडियम है दे आर इंग्लिश मीडियम स्कूल मतलब कि इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे पढ़ाया जाता है ठीक है और आपको फ़र्दर जो इन्फॉर्मेशन अगर इससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो आपको वो इस साइट पर आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे इन्होंने पहला पॉइंट में अबाउट ई एस दिया हुआ है ठीक है तो लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है ये सारी फिफ्टीन लोकेशंस हैं जहाँ पे इनके ये थर्टी स्कूल्स लोकेटेड है यहाँ पर इन एस के स्कूल्स हैं राइट right. तो एस इन्वाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन सिटीजन मतलब इंडियन सिटीजन से फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फॉर द वेरियस पोस्ट तो वेरियस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैंडिडेट्स uh, को इन्वाइट कर रहे हैं क्योंकि uh, वहाँ पे अभी वैकेंसी रिसेंटली वैकेंसीज निकली हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पोस्ट वाइज़ यहाँ पे गिवन है अगर हम पीजीटी पोस्ट की बात करें तो इंग्लिश में टोटल टू वैकेंसीज है हिंदी में वन है कैटेगरी वाइज़ भी यहाँ पर मैंशन है मैथमेटिक्स में फ़ोर है फिज़िक्स में वन कंप्यूटर साइंस पी जी टी फोर बायोलॉजी पी जी टी टू इंग्लिश पी जी ओके अगर हम टी जी टी लेवल पर बात करें तो टी जी टी लेवल पर इंग्लिश की टोटल वैकेंसीज़ है इलेवन कैटेगरी वाइज़ भी यहाँ पर मैंशन है आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी जिस हिसाब से सोशल साइंस की 14 है हिंदी संस्कृत की 10 है टी जी लेवल पे मैथ फिज़िक्स की टी लेवल पे 21 है ज़्यादा है यहाँ पे केमिस्ट्री बायोलॉजी की 7 है कंप्यूटर साइंस की 10 है फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फ़ीमेल टीचर की 9 एंड 7 है रेस्पेक्टिवली आर्ट टी जी टी सेवन मराठी है टोटल 5 लाइब्रेरियन की 8 पोस्ट वेकेंट है इन तीन स्कूलों में पी की सबसे ज़्यादा है डेट इज़ सेवेंटी वेकेंसीज़ है पी लेवल पर पी म्यूजिक टी म्यूजिक्स फाइव है और प्रिपेटरी की सिक्स वैकेंसीज है तो टोटल जो ए ई एस स्कूल है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में जो इतने टोटल वैकेंसीज़ जो है वो है टू ज़ीरो फ़ाइव टोटल वैकेंसीज है ओके okay, सो so ये सब यहाँ पे गिवन है कितनी uh, कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है ये सब यहाँ पे गिवन है आपको कहाँ कहाँ पर इनके स्कूल है पंद्रह सेंटर कौन से हैं ये यहाँ पे आपको गिवन है अब आ, हम मूव करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए हमें इन पोस्ट के लिए फॉर टी जी टी पी जी टी एंड अदर पोस्ट ठीक है तो अगर हम बात करें असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की तो अगर हम पोस्ट ऑफ पीजीटी की बात करें पीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो उनके क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए फ्रॉम द रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी जिसमें आपके फ़िफ्टी परसेंट एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए अगर सी है तो उसको भी परसेंटेज में काउंट करना करके फिर वो देखेंगे आपकी सी नहीं देखेंगे ठीक है और क्या हो सकता है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है किसी भी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एन से तो वो भी वैलिड है विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट और क्या वैलिड है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है सब्जेक्ट कंसर्न में फिफ्टी परसेंट मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट एंट सी जी पी ए आपका है फ्रॉम आई रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी प्लस आपने बी एड किए हुई है बी एस सी एड किए हुए थे फ्रॉम री रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो भी वो आपका वैलिड है ओके okay, सपोज करो पी जी टी इंग्लिश के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इंग्लिश में पी जी टी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए हिंदी और संस्कृत पी मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स या फिर अप्प्लाइड मैथमेटिक्स है तो वैलिड है पी फ़िज़िक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन फिज़िक्स में चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो अप्लाइड फ़िजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स किसी में भी कर रखी है तो आप वैलिड हैं आप एलिजिबल हैं पी केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में हुई है तो भी आप एलिजिबल है अगर हम बायो की देखें तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी में की हुई है या जोलॉजी में की हुई है या फिर लाइफ साइंस में बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक मोलिकुलर बायोलॉजी अगर आपने इनमें से किसी भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप पी जी टी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओके पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लांट फिजियोलॉजी इज़ ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जोलॉजी एट ग्रेजुएशन अगर किसी ने अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी में तो उस कैंडिडेट को ग्रेजुएशन लेवल पे उसने बॉटनी और जोलॉजी पढ़ी हुई होनी चाहिए अगर प्लांट फिजियोलॉजी में उसने किया हुआ है पोस्ट ग्रेज ठीक है प्लस सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है पीजीटी के लिए बीएड या फिर उससे इक्वलेंट डिग्री चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बीएड अगर किसी कैंडिडेट ने बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट जिन्होंने बी एड किया हुआ है बीएड किया हुआ है या फिर एम एस किया हुआ है तो ठोके तो उनको बी की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्यूटर साइंस की की एलिजिबिलिटी यहाँ पे गिवन है आप रीड कर सकते हैं दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन नाउ अगर हम टी जी टी पोस्ट के लिए बात करें टी जी टी इंग्लिश टी जी टी सोशल साइंस हिंदी संस्कृत मैथमेटिक्स टी जी टी केमिस्ट्री बायोलॉजी और मराठी अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कौन कौन एलिजिबल है क्या इनकी रिक्वायरमेंट है तो ध्यान से समझेंगे हम आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको थ्री ईयर्स बैचलर्स डिग्री चाहिए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स मतलब कम से कम पचास परसेंट मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट बाय विच डिग्रीज़ अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट सीजीपीए अगर सीजीपीए में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखा जाएगा कि पचास परसेंट से ऊपर है या कम है ओके okay, दूसरा अगर अगर ये है तो ठीक है अगर दूसरा कंडीशन क्या है अगर आपने फोर इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है बी एड किया हुआ है बी एस सी एड किया हुआ है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एन तो भी आप आ, एलिजिबल है फ़िफ्टी परसेंट मिनिमम मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए सी जी पी ए है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखा जाएगा कि फ़िफ्टी परसेंट आपका एग्रीगेट मिनिमम बन रहा है या कि नहीं बन रहा है अब देखो अगर आप टी जी टी इंग्लिश हो तो जो आपकी ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इन ऑल थ्री ईयर्स आप पे क्लियरली मैंशन है कि अगर आप टी जी टी इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो तीन साल तक आपने इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए रेगुलर टी जी टी सोशल साइंस तो ग्रेजुएशन विथ एनी ऑफ द टू फॉलोइंग सब्जेक्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए लेकिन ग्रेजुएशन आपके पास इसमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए आइदर हिस्ट्री जोग्राफी इकनॉमिक्स और पोलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जोग्रफी तो क्या बोल रहे हैं कि इन इनमें से दो होना चाहिए और दो में से एक हिस्ट्री या ज्योग्रफी तो होना ही होना चाहिए बाकी कोई और हो सकता है सपोज करो जोग्रफ़ी है तो जोग्राफ़ी के साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हो सकता है हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ जोग्रफी हो सकता है इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल मतलब हिस्ट्री और जोग्रफ़ी होना मैंडेटरी है दो में से एक सब्जेक्ट टी हिंदी संस्कृत की बात करें हिंदी और संस्कृत एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर ऑल थ्री इयर्स मतलब तीन साल तक आपने हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए अगर छः सेमेस्टर है तो छः सेमेस्टर में आपने हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए टी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन के टाइम पर होना चाहिए टी केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर हम बात करें केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ द बॉटनी और जोलॉजी एज एन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन ठीक है तो केमिस्ट्री आपका या फिर अगर आप टी जी टी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए तीन साल तक पढ़ा हुआ आना चाहिए और अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बॉटनी और जोलॉजी शुड बी द सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन टी जी टी मराठी के लिए कर रहे हो तो मराठी आपने तीन साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए रेगुलर ओके सो दीज आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ टी जी टी पोस्ट फॉर इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथमेटिक्स बायोलॉजी की पहली रिक्वायरमेंट ये थी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है बी आपको चाहिए या फिर उससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो अगर किसी स्टूडेंट ने बी एस .E. एड किया हुआ है बी एड किया हुआ है और एम एस .E. एड किया हुआ है तो उनको बी एड की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बी एस सी .E. एड एम एस सी .E. एड बी एड ये क्या है इंटीग्रेटेड है जो कि ग्रेजुएशन के साथ उसमें बी एड भी करा दी जाती है ओके okay. सो so, जिनके पास ये वाली डिग्रीज़ हैं तो उनको बीएड के अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है और सपोज़ करो किसी ऑनर्स डिग्री से है तो उनको बीएड की रिक्वायरमेंट अलग से ले होनी चाहिए ठीक है जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सी टेट उनका होना चाहिए ठीक है सी टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट उनका पेपर टू लेवल टू जो होता है वो क्लियर होना चाहिए जो सी बी कंडक्ट करती है सो दीज आर द दसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टी टी ओके okay. नाउ अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरियन और पी मेल एंड फीमेल टीजीटी आर्ट की तो उन सब के लिए भी यहाँ पे ये गिवन है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या उन्होंने किया होना चाहिए लाइब्रेरियन का भी है मेल का भी है टीजीटी आर्ट का भी यहाँ पे दिया हुआ है अब देख लेते हैं असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन फ़ॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर क्या है पी टीचर को अप्लाई करने के लिए क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो सबसे पहले उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया होना चाहिए और इंटरमीडिएट्स और इक्वलेंट पास हो आप विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपने अटेन किए हुए हो इक्वलेंट सी जी पी ए विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन प्लस टू लेवल मतलब आपको प्लस टू लेवल क्लास ट्वेल्थ में आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए ओके okay. क्लास ट्वेल्व तक फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट मार्क्स चाहिए प्लस क्लास ट्वेल्व तक आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है टू ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डी की हो या फिर फोर ईयर बैचुलर्स डिग्री इन एलिमेंट्री एंड बी एल एड की हो या फिर टू ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन डी एड किया हो फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन ये है पी आर टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर दूसरी कंडीशन क्या दी है इन्होंने ग्रेजुएशन की हो किसी सब्जेक्ट में रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट फिफ्टीन परसेंट शुड बी द मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स अगर सी जी पी है तो उसको परसेंटेज में एज एट कन्वर्ट करके देखा जाएगा कि आपके फिफ्टी परसेंट मिनिमम बन रहे हैं या नहीं प्लस बी एड आपने की हो तो जिन भी जो भी कैंडिडेट को प्लस ट्वेल्व वाले आ, 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 एलिजिबल है और प्लस ट्वेल्व वालों ने क्या क्या होना चाहिए डी एल एड बी एल एड या फिर डी एड क्या होता है एलिजिबल है अब ग्रेजुएशन पे आ जाते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और फिफ्टी परसेंट मार्क्स है तो उनको बीएड भी दिखाना है अपना बीएड उन्होंने किया हुआ होना चाहिए ठीक है प्लस दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है पीआरटी के लिए उन्होंने क्वालिफाई कैंडिडेट ने क्वालिफ़ाई किया होना चाहिए सी टेट पेपर वन कंडक्टेड बाय द सी बी एस इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम विद द तो सी टेट का पेपर वन चाहिए लेकिन जो कैंडिडेट Uh, जो ये सेकेंड वाली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं और वाला ऑप्शन फुलफ़िल कर रहे हैं मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और बीएड की हुई है अगर वो कैंडिडेट्स पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सी का पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए तो ही वो एलिजिबल है पेपर वन नहीं चाहिए उनका ओके okay? और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और बीएड के थ्रू पीआरटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट का सिक्स मंथ का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकोगनाइज बाय द एनसीटी विद इन द टू इयर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो पी में तो आपका छः महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा आफ्टर द अपॉइंटमेंट विद इन द टू ईयर्स वो बाद की बात है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा अपॉइंटमेंट के दो साल के अंदर अंदर वो आपका ब्रिज कोर्स कराएंगे छः महीने का सो so ये है आपके पी टीचर की क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिए ही चाहिए ठीक है तो ये जद से मेन है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई ग्रेजुएटेड हैं प्लस आपने सीट एट क्लियर बी एड की हुई है तो आपका सीट एट लेवल टू लगेगा लेवल वन का नहीं लगेगा पी आर प्राइमरी म्यूज़िक टीचर के लिए भी यहाँ पे दी हुई है बैचलर्स डिग्री चाहिए म्यूज़िक में फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए ठीक है या फिर ये वाला कंडीशन प्रिपरेटरी टीचर की भी यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ आप, आप पढ़ सकते हैं अब बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट और रिलैक्सेशन कितने से कितने एज आप अप्लाई कर सकते हो अगर हम पीजीटी पोस्ट की बात करें तो अपर एज लिमिट है फोर्टी इयर्स जब जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन आपकी एज फोर्टी इयर्स से कम होनी फोर्टी या फोर्टी से कम होनी चाहिए 40 से ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिट जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का जो आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो जो उसकी लास्ट डेट है उससे उससे उदिन उस आप फोर्टी से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए अगर टी जी टी पोस्ट की बात करें तो थर्टी फाइव इज लास्ट डे अपर लिमिट है थर्टी फाइव से ज़्यादा एज के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते अगर पी आर टी की पोस्ट की बात करें पी आर टी म्यूजिक और प्रिपेटी तो थर्टी ईयर्स है uh, एज रिल ठीक है अपर लिमिट थर्टी पी की थर्टी है टी की थर्टी फाइव है एज लिमिट और पीजीटी की है फोर्टी ईयर्स एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एस सी एस टी कैंडिडेट्स को फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन uh, मिला है ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर एन सी एल को थ्री ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है वुमेन कैंडिडेट टेन ईयर्स फॉर ऑल पोस्ट मतलब सभी पोस्ट के लिए वुमेन्स को आइदर टी जी टी पी जी टी पी आर टी म्यूज़िक टीचर दस ईयर का रिलैक्सेशन मिला है वुमेन कैंडिडेट्स को अगर कोई एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उसको फाइव ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है फॉर ऑल पोस्ट पी डब्ल्यू बी डी एस सी एस टी कैटेगरी से है तो फिफ्टीन ईयर्स का रिलैक्सेशन है पी डब्ल्यू बी डी ओ बी सी से बिलोंग कर रहे हैं नॉन क्रीमलेयर तो थर्टीन ईयर्स का है और यू आर कैटेगरी से कर रहे हैं तो टेन ईयर्स का होगा पी डब्ल्यू बी डी एम ठीक है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ठीक है अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता उनको अगर आप एक्स सर्विस मैन हो कमीशन ऑफिसर हो जिन्होंने हु हैव रेंटेड एटलीस्ट फाइव ईयर्स ऑफ मिलिट्री सर्विस जिन्होंने पाँच साल की मिलिट्री सर्विस ग्रांट की है तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा पाँच ईयर का फॉर ऑल पोस्ट तो ये सब रिलैक्सेशन है जो कि कैंडिडेट्स को मिलेंगे अपर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी तो वहां से आप अच्छे से और अच्छे से रीड कर सकते हैं अब देख लेते हैं पेपर का पैटर्न कैसे आएगा अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पे गिवन है हाउ टू अप्लाई पैरासिक्स में ये गिवन है आपको अप्लाई कैसे करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वा अप्लाई कैसे करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ पी टी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द पोस्ट ऑफ टी जी टी ये रिक्वायरमेंट होंगे आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करोगे सभी पोस्ट के जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको गिवन है जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वो भरने हैं एप्लीकेशन फ़ी सेवन फिफ्टी है मोड ऑफ पेमेंट पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर द वूमेन, वुमेन एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और एक्स सर्विस मैन की कोई फी नहीं लगेगी सेवन फिफ्टी वैसे आपकी फ़ीस है ओके ऑनलाइन मोड में आपकी पेमेंट ऑप्शन विल बी गिवन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो अब आप फिल करोगे तो वहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट का ऑप्शन होगा ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं पैटर्न कैसा आएगा एग्जाम का पैटर्न uh, होगा कुछ इस तरह का पोस्ट नेम पी जी टी हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ठीक है वन मार्क ई जिसमें आपका जनरल नॉलेज होगा रीजनिंग होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी टीचिंग मैथोलॉजी और सब्जेक्ट कंसर्न होगा ठीक है एज़ पर द यू जी सी सिलेबस अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन ये यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है किस तरह का आएगा हंड्रेड मार्क्स होंगे टू आर का पेपर होगा टू एंड हाफ आर का पेपर होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी आपकी टीजीटी लेवल पे अगर हम बात करें तो हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके वन मार्क ईच जनरल नॉलेज रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी टीचिंग मैथडोलॉजी एंड द सब्जेक्ट कंसर्न ठीक है सिलेबस फॉर सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आपका यूजीसी लेवल का आएगा ग्रेजुएशन लेवल का आएगा और जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहा है हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा टू एंड हाफ मार्क नो नेगेटिव मार्किंग पी का भी सेम रहेगा हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग जनरल नॉलेज जी रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी टीचिंग मेथडोलॉजी एंड द सब्जेक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल एज पर द एन और सी सिलेबस के अकॉर्डिंग हंड्रेड मार्क का हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा टू एंड हाफ टाइम आर आपको टाइम दिया जाएगा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सेम विद द पीआरटी म्यूजिक यहाँ से आप देख सकते हो ओके नंबर ऑफ अगर देखो यहाँ पे जितनी पोस्ट है कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आफ्टर द सीबीटी स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे वो यहाँ पे गिवन है अगर वैकेंसीज uh, एक है तो पांच कैंडिडेट बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए टू वैकेंसी है तो एट बुलाए जाएंगे थ्री है तो टेन फोर है तो ट्वेल्व फाइव और अबव है तो ट्वाइस द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और एक्सेडिंग टेन है तो वन एंड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बुलाए जाएंगे ठीक है यहाँ पे ये यह गिवन है इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो तेईस मई को स्टार्ट हो चुका है 2022 लास्ट डेट अप्लाई करने की है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जून 2022 सॉरी ट्वेल्थ ऑफ जून 2022 लास्ट डेट पेमेंट की भी ट्वेल्थ ऑफ जून है जो आपका हॉल टिकट है वो बाद में आएगा डेट ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वो भी बाद में आपका बताया जाएगा ठीक है और आंसर की थ्री डेज़ बाद आ जाती है ऐसे इन्होंने टेंटेटिवली बताया हुआ है ओके सो दिस वो वेन्यू क्या होगा आपके स्किल टेस्ट और सी का उसका भी यहाँ पर बताया हुआ है तो इनमें से किसी एक में यहाँ पर आपका सी बी एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई कोची यहाँ से ठीक है और जो आपका स्किल टेस्ट है वो ओनली एट एस ही होगा सेंट्रल ऑफिस में ठीक है दैट इज़ इन मुंबई सो ये है आपका रिगार्डिंग द ए ई एस रिक्रूटमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो अगर कोई डाउट हो आपको तो यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स एंड ये पी डी एफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो वहाँ से भी आप अच्छे से देख सकते हो ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज़ वीडियो और टाइमली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना क्योंकि पी आर टी में काफ़ी वैकेंसीज है सेवेंटी वैकेंसीज़ आर देयर टी जी टी पी जी टी में भी है बट कॉम्पिटिशन विल भी हाई सो अच्छे से प्रिपेयर करना